ये हमारी है कालिया दाग। एक मिनट बता देते, देखिए ये ओरिजिनल प्लेस है कालिया नाग, जिसको भगवान कृष्ण ने अपने पैर से कुचल कर मार दिए थे, यही वो ओरिजिनल प्लेस है। देखिए इधर बहुत सारे नाग थे, उसमें उनमें से एक नाग भाग गया था, बाकी का कहानी इधर का भैया बताएंगे आपको। भैया राधे राधे। ये इधर कालिया था, ये इधर से भाग के चला गया था एक कृष्ण जी नाग को, इधर कालिया दह में, इधर कृष्ण जी कालिया दह में नाग को नाच रहे थे इधर, तो कालिया दह में नाग को इधर, यहाँ से एक नाग यहाँ से भाग गया था जैत गांव में, जैत गांव में जा करके इधर कृष्ण ने उनको शराब दे दिया था, जा तू यहाँ से भग के जाएगा, कितना भी दूर भग जाएगा तू, इधर वृंदावन में हूँ, मुड़ के देखेगा उधर ही जाके तू पत्थर का सांप बन जाएगा। तो ये है राधे राधे, ये है लीला यहाँ की, यहाँ से जा करके जैत गांव में पत्थर का सांप बन चुका है, ये असली लीला है। ये आपको आपको मतलब मेरी बात को विश्वास नहीं हो रहा है तो जैत गांव में जा करके स्वयं देख लीजिए पत्थर का सांप है कि नहीं है। उधर वृंदावन में उसने थोड़ा सा पन किया है, वो उधर पत्थर का बन चुका था, इधर जो सांप भागा था। हाँ जी, यहाँ से भागा लिया था इसलिए। देखिए उधर फोटोग्राफी के लिए नहीं छोड़ते, उधर ओरिजिनल है, ये भी ओरिजिनल है, इधर ही कालिया दाना। ये कदम का पेड़ है, इस पे बैठ के कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे। अच्छा, ये देखिए वो कदम पेड़ है, ये कदम का पेड़ है, इस पे बैठ करके कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे। अच्छा, देखिए ये वो कदम पेड़ है, इसके ऊपर भगवान बैठ के बांसुरी बजाते थे। खाली कदम, देखिए इधर सब कुछ लिखा पढ़ लिया, ये यहाँ से बात करके जैत गांव में भाग गया था। आपको आप पढ़े सब आपकी समझ में आ गया, अच्छा ऐसी आपके साथ। अच्छा राधे, परिक्रमा करके है क्या? एक बार कर लो बाबा।